13 दिसंबर 2001 भारतीय इतिहास का वह काला दिन जब लोकतंत्र के सबसे बड़े चौपाल यानी भारतीय संसद में दुनिया के सबसे घातक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने चौतरफा हमला कर दिया था। इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, CRPF की 1 महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग इस आतंकी हमले में शहीद हुए। सवाल उठा, जब देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश के आम लोगों का क्या होगा। आज एक तरफ जहां देश की नई संसद सज धज कर तैयार है, वहीं इसी समय दूसरी तरफ हमारे देश के उस पुराने संसद को भी याद किया जा रहा है जहां हमारे आपके द्वारा भेजे गए सांसदों ने हमारे आपके हिस्से का आवाज बुलंद किया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संसद पर हुए उस विभत्स आतंकी हमले के बारे में जिसने हमारी आंतरिक सुरक्षा पर कई सवाल या निशान लगा दिए थे। कहानी शुरू हो इससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। तारीख 13 दिसंबर, साल था 2001, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दिन संसद में लगभग सभी सांसद मौजूद थे और संसद में दोनों सदनों में ताबूत घोटाला को लेकर सदस्यों द्वारा हंगामा किया जा रहा था। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष के नेता सोनिया गांधी हमले से पहले अपने आवास के लिए निकल चुके थे। लेकिन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित अन्य सांसद वहीं संसद में मौजूद थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के ड्राइवर शेखर राज्यसभा के गेट नंबर 11 के बाहर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी करीब 11:29 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन की ओर तेजी से आई और मेन एंट्रेंस पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगा था। सफेद एम्बेसडर तेजी से आई और उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के कार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। फिर अचानक सफेद एम्बेसडर कार से 5 लोग निकलते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के ड्राइवर शेखर अपनी जान बचाते हुए कार के पीछे छुप जाते हैं। इतने में एक आतंकी संसद के बाहर गेट पर ही खुद को बम से उड़ा देता है। उपराष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड जब तक मोर्चा संभालते तब तक दोनों ओर से गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुन संसद परिसर में मौजूद सुरक्षा बल मुस्तैद हो जाते हैं। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी भी तुरंत मोर्चा संभालते हैं और संसद के एंट्री पॉइंट का गेट बंद कर देते हैं। करीब 45 मिनट तक संसद में गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। गोलियों की आवाज सुनते ही आडवाणी संसद भवन में स्थित अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकते हैं और हमले की जानकारी देते हैं। इतना सुनते ही आडवाणी अपने दफ्तर वापस लौट जाते हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाते हैं। इतनी देर में सुरक्षाकर्मी तेजी से संसद भवन के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिस वजह से बड़ा हमला होने से बच जाता है। आतंकियों को मार गिराने के लिए पुलिस व संसद के सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षा में डटे रहते हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन का ही नतीजा था कि वक्त रहते सभी आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार हमले में सबसे पहले कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव शहीद हुई। इसके बाद संसद का एक माली, 2 सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए। उल्लेखनीय है कि संसद भवन पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था। उसके साथ SAR गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल थे। बता दें कि साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट और साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुना दी। 9 फरवरी 2013 की सुबह उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। अगर उस दिन पुलिस सुरक्षा बलों ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो आतंकी पूरे संसद को अपने कब्जे में करते। फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुने गए एक एक सांसदों की जान जाती। बहरहाल संसद के सुरक्षा बलों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए संसद की मान मर्यादा को बरकरार रखा। सारे आतंकी सुरक्षा बलों द्वारा चुन चुन कर मार दिए गए। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सुरक्षा बलों की हिम्मत और बहादुरी ने देश के संसद की मान को झुकने नहीं दिया।
फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।